सबका हक है। और इन्होंने स्टोरी और गाने में भाईजान का सबसे प्रथम नंबर योगदान है कि इन्होंने उस मुद्दे को सबसे ज्यादा यही उठाए। इनसे सर किस तरह गाना होगा मूवी के अंदर, कितने गाने और किस तरह गाना होगा? उस फिल्म में तो ऐसे 8 गाने हैं। कैसे कैसे लोकेशन पे गाना होगा और क्या दर्शाया जाएगा गाने के ऊपर? गाने के ऊपर देखो, किसानों के ऊपर फिल्म है, किसानों के ऊपर फिल्म, तो किसान पे ही दर्शाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 8 गाना है तो रोमांटिक सॉन्ग आइटम 8 गाने है तो 8 गाने में रोमांटिक भी है, कव्वाली इसके अंदर, और कुछ आइटम भी है। क्या सिंगर तो सभी गा चुके हैं, अभी अभी लास्ट 2 गाना चल रहा है। तो किसने किसने गाया हुआ है इसमें? तो साबरी प्रदर्श ने कव्वाली गाई है, और अपने जावेद अली ने गाया है, कल्पना ने गाया इसका, और भी सिंगर गाए हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो किस तरह रहेगा जी? बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, म्यूजिक रहता है, किस तरह रहेगा? वो तो बात की बात है सर, उसमें तो टाइम है। यस, यहाँ देखिए सर, यहाँ पे इस तरफ बात चलो, स्टील हो गया, तो विजुअल ले लो। आग बंद है, आग बंद आई। अरे हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सर या सर यहाँ पे एक सेकंड, फ्रंट फ्रंट लड़कियों को रखो, लड़कियों से फोटो। हाँ हाँ, ये हाँ, एक 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 बोला तो बोला, ये यहाँ पे देखिए सर, यहाँ गाना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सबसे पहले राज, इंद्र राज जी, और इन्होंने जैसे मुझे बताया कि भाई बहुत अच्छा एक गाना गाना है आपको, रोमांटिक गाना है, फिल्म बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है, फिल्म का नाम है किसान की बेटी, रियल स्टोरी है। तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने थोड़ा सा नरेट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आपको रोमांटिक गाना गाना है। अभी बस जस्ट ही मैं ख़त्म किया हूँ गाना, और बहुत अच्छा हुआ है, इतना मज़ा आया है कि इनके साथ हमेशा काम करते वक्त अच्छा लगता है, मज़ा आता है। सर आपसे जानना चाहिए किस तरह का म्यूजिक दे रहे हो, क्योंकि ये एक इंडियन मेलोडी है, एक रोमांटिक ड्यूट सॉन्ग है, जिसको अली जी, असलम जी ने गाया है, बहुत ही शानदार गायकी दी है अपनी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत वक्त से मतलब इंडियन मेलोडी नहीं आई, तो आज मज़ा आया गाकर, अच्छा गाना था, मतलब रोमांटिक। आगे सर और क्या प्रोजेक्ट हैं आपके, क्या किस तरह से? अभी काफ़ी 2-3 प्रोजेक्ट हैं मेरे लाइनअप हैं, हिंदी फिल्में हैं, पंजाबी फिल्म है, सो इट्स गोइंग रनिंग, जैसे जैसे होता रहेगा आप लोगों को पता लगता रहेगा। सर गाने के कुछ बोल हो जाए अली भाई, साथ में नहीं ये गाएंगे ज़्यादा अच्छा है। मैं तो मैं 2 लाइनें कुछ गा देता हूँ। जब से मिले हैं तुमसे ये नैना, हाँ जब से मिले हैं तुमसे ये नैना, क्या छुपा तुमसे क्या हमसे कहना, क्या छुपा तुमसे क्या हमसे कहना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ओके चलिए। तुमसे ये नैना, आ जब से मिले हैं तुमसे ये नैना, क्या छुपा तुमसे क्या हमको कहना, क्या छुपा तुमसे क्या हमको कहना। अपना सब कुछ तुझी पे लुटा बैठे, खुद से खुदी को मिटा डाला। सर यहाँ एक फोटो ले, एक स्किल क्या इसका?
ट्रैक चलाना जरा। हेलो हेलो समझ जा मेरी बात को डार्लिंग, बातों और इशारों में नोट ठीक आ रहा है। टेगी गलियों और चौबारों में समझ जा मेरी बात को डालिंग, बातों और इशारों में, वरना अपने को ढूंढेगी गलियों चौबारों में। तेरे डैडी के से जा मेरी बात। ओके समझ जा मेरी बात को डालिंग, बातों और इशारों में। वरना अपने को ढूंढेगी गलियों और चौबारों में। हे समझ जा मेरी बात को डालिंग, बातों और इशारों में। वरना अपने को ढूंढेगी गलियों और चौबारों में। तेरे डैडी के पैसे से क्या हमको लेना देना है। समझ जा मेरी बात को डालिंग, बातों और इशारों में। वरना अपने को ढूंढेगी गलियों और चौबारों में। दिस इज द मूवी द नेम किसान की बेरी एंड आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। इट्स लाइक हिप हॉप नंबर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल के जो सॉन्ग्स बनते हैं उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। और आई रियली लव दिस सॉन्ग बिकॉज राजिंदर राज कॉल मी टू टोल अबाउट मी दिस सॉन्ग कि ये थोड़ा सा अलग सॉन्ग है। तो आई कॉल दिम कि यार चलो लेट्स सी क्या क्या है, करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया और आई रियली लव दिस सॉन्ग, सो वी गोइंग टू रिकॉर्ड दैट सॉन्ग। एंड राज भाई यहाँ आ गए हैं, आ जाइए। और बाकी जो भी गाना है आप लोगों को ऑफकोर्स रिलीज़ के बाद ही मालूम पड़ेगा। और राज भाई तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और इनके लिए मैंने और भी बहुत सारे गाने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूज़िक डायरेक्टर एक होता है जो सिर्फ सिंगर को गवाता है, और एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है जो खुद से अपनी तरफ से इतना इम्प्रूवमेंट बताने की कोशिश करता है जिससे सिंगर गा के उसे ऐसा नहीं लगता कि यार मैं किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास आया हूँ। इट्स फील लाइक यार अपने बड़े भाई के लिए गाना कर रहे हैं हम लोग। सो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। So this is it. सर हमने दो ट्रैक देखा, दोनों एकदम अलग अलग, एक रोमांटिक है थोड़ा, एक पॉप टाइप का है, क्या फ्लेवर है पूरा इस फिल्म में? सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट गाने मिलेंगे, हिप हॉप है, मेलोडीज है और आइटम मिलेगा आपको। सो ऑल द स्टफ लाइक काफ़ी टाइप की इसमें आपको मिश्रण मिलेगा फिल्म के अंदर। ओके okay. और सर बाकी कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में तो जैसे कि बताया ही आपको, ऊपर बताया होगा जब इंटरव्यू दिया होगा, कि किसान की बेटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, किस तरह से किसान उसकी बेटी संघर्ष करती है, किस माहौल की होती है, कितनी मॉडर्न होती है, और किस तरीके से अपने फादर की हेल्प करने के लिए वो वापस गांव आती है, और किस तरीके से उस संघर्ष के टाइम के अंदर किस तरह से वो उस पर जीत पाती है। दैट इज द स्टोरी ऑफ फिल्म। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं करूँगा, क्या लाइन है तुम्हारी? आप तो पहले इधर आने वाले हैं।